नमस्कार, बोल के लब आजाद है तेरे और मैं जानता हूं इस वक्त आप लोगों के जहन में क्या सवाल होगा। आप जानना चाहेंगे कि भाई दिल्ली में कौन चुनाव जीत रहा है। जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल के लब आजाद है तेरे, न्यूज क्लिक पर मेरे साथ। आज मैं अपने वीडियो में इस बात का जवाब दूंगा, मगर इसके लिए आपको अंत तक इंतजार करना पड़ेगा और जो मैं एक एक चीज कहने वाला हूं ना उसे बहुत ध्यान से सुनना होगा, क्योंकि उन्हीं चीजों के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि दिल्ली कौन जीत रहा है। दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि परसों रात एक शादी हुई, एक वरिष्ठ पत्रकार की बेटी की शादी। क्या आप जानते हैं उस शादी में कौन आया? उस शादी में यह शख्स देश के गृह मंत्री अमित शाह आए, और अमित शाह ने एक और पत्रकार से पूछा कि भाई ये तो बताओ दिल्ली में कौन कितनी सीटें जीत रहा है। अब इस पत्रकार, मैं इनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, मैं सिर्फ इनके जो नाम है ना उसका इनिशियल्स आपको बता रहा हूं। इस पत्रकार, हम इसे नाम दे रहे हैं RS, RS ने अमित जी से कहा, क्या कहा, कि मेरे हिसाब से आम आदमी पार्टी को कम से कम 50 सीटें तो मिलनी चाहिए। आप जानते हैं अमित जी ने इसका क्या जवाब दिया? अमित जी ने कहा कि आपकी जानकारी गलत है। अमित शाह के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को कम से कम 45 सीटें मिलेंगी। बकौल अमित शाह, दिल्ली की झुग्गियां जो हैं, जो इस वक्त तक अरविंद केजरीवाल की ताकत बताई जाती हैं, वो पूरी तरह से भगवा हो गई हैं। उनमें इस वक्त राष्ट्रवाद की लहर बह रही है, उनके अंदर शाहीन बाग को लेकर जबरदस्त नाराजगी है, और उसके चलते दिल्ली की झुग्गियां जो कि अरविंद केजरीवाल की ताकत मानी जा रही हैं, वो दरअसल बीजेपी को वोट करेंगी। खैर, अमित शाह का यह उत्साह कितना सही साबित होगा ये तो हमें पता चलेगा कब, 11 तारीख को। एग्जिट पोल्स क्या कह रहे हैं उस पर मत जाइए, मगर मैं आपको अब एक और चीज बताने वाला हूं। आप जानते हैं आज सुबह मैंने दिल्ली वासियों से एक अपील की ट्विटर पर और फेसबुक पर। मैंने क्या कहा आप जानते हैं? मैंने सिर्फ इतना कहा कि दिल्ली वासियों, जाओ वोट करो और उन लोगों को कामयाब मत होने दो जो हमारे अंदर नफरतें पैदा करते हैं, जो हमारे अंदर बंटवारा पैदा करते हैं। और क्या आप जानते हैं, मेरे उस ट्वीट या मेरे उस फेसबुक पोस्ट के ठीक नीचे जितने भी मोदी भक्त थे वो सब उछलने लगे। वो ये कहने लगे कि तू केजरीवाल का दलाल है, तू कांग्रेस का दलाल है। अरे भाई, मैंने तो किसी का नाम भी नहीं लिया, मैंने तो सिर्फ इतना कहा ना कि जो लोग नफरत फैला रहे हैं उन्हें हराइए। फिर आपने ये क्यों मान लिया कि मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को हराइए? दोस्तों, आप जानते हैं आज अपने शो में मैं ये भी अपील करना चाहता हूं कि बीजेपी के जो सपोर्टर्स हैं, खासकर भक्त जो है ना, वो अपने आप को क्या बना रहे हैं अपने इन नेताओं के चलते। भूल जाइए कि आपके अंदर क्या जहर भरा हुआ है। मैं जानता हूं जो लोग मुझे गाली दे रहे हैं वो 2 रुपए प्रति ट्वीट पर बिकने वाले ट्रोल्स हैं बीजेपी आईटी सेल के। मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा यह है कि आज की तारीख में एक गालीबाज ट्रोल और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बोली में कोई फर्क नहीं रह गया है। मसलन, आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल हनुमान मंदिर गए थे, उन्होंने हनुमान जी के दर्शन किए थे। अब उस पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री पद के दावेदार माननीय रिंकिया के पापा ने क्या कहा है, मैं आपको बताने वाला हूं। उन्होंने कहा, वो यानी अरविंद केजरीवाल पूजा करने गए थे या हनुमान जी को अशुद्ध करने गए थे, एक हाथ से जूता उतार के उसी हाथ से माला लेकर क्या कर दिया। जब नकली भक्त आते हैं ना तो यही होता है, मैंने पंडित जी को बताया, बहुत बार हनुमान जी को धोए हैं। दोस्तों, ये बहुत ही वाहियात सोच है, ये सोच कई मुद्दों पर गलत है, कई जिसे कहते हैं ना लेवल्स पर गलत है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले ये एक किस्म की ब्राह्मणवादी विचारधारा है जिसके अंदर अगर एक व्यक्ति जिससे अगर पूजा में कुछ गलती भी हो गई, हालांकि मुझे कोई गलती नहीं दिखाई दे रही है, मैं इस पर आपसे बात करूंगा, उसको आप कह रहे हैं कि हम मंदिर को शुद्ध करें, धोएं। इस तरह की बातें तो निहायत ही सामंती सोच के लोग होते हैं जो सोचते हैं कि भाई धर्म जो है वो मेरा अधिकार है, उस तरह के लोग ये बात करते हैं। और रही बात अरविंद केजरीवाल हनुमान जी के किस तरह से दर्शन कर रहे थे, अरे जब आप दर्शन करने जाते हैं तो आप जूते उतारते हैं ना, और जूते आप अक्सर अपने हाथ से उतारते हैं।
आपके अंदर मन के अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, समझे मनोज जी? बात यहां नहीं रुकती दोस्तों, अब आप इनके दर्शन कीजिए। बीजेपी के विवादित प्रवक्ता संबित पात्रा, संबित पात्रा दिल्ली वासियों से किस तरह से अपील कर रहे हैं वोट देने की, ये देखिए। दिल्ली वासियों बहुत प्रयास के बाद और बहुत आग लगाने के बाद भी कुछ लोगों की दाल नहीं गल रही, सभी जाकर वोट करें और लोकतंत्र के इस महापर्व में भाग लें और प्लीज ये दाल गलने ना दें। अगर आप ये ट्वीट देखें दोस्तों, तो इसके अंदर आप अगर इसे जूम इन करें तो एक मुस्लिम महिला जो है वो एक बर्तन में दाल बना रही है, उसमें लिखा हुआ है मोदी विरोध, नीचे लिखा हुआ है शाहीन बाग, और वो कह रही है दाल नहीं गिल रही है। और उसके आगे कांग्रेस, अरविंद केजरीवाल, खालिस्तानी टुकड़े टुकड़े गैंग, लुटियंस मीडिया और साथ ही तमाम लोग हैं, पाकिस्तान भी इसमें शामिल कर लिया है। मैं समझ नहीं पाता हूं दोस्तों, मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे बताया कि जब मैंने आपसे यह कहा कि नफरत के खिलाफ वोट दो, तो बीजेपी आईटी सेल को इतनी क्यों तकलीफ हो गई थी? इसका जवाब यह है, इसका जवाब किसी और नहीं, नहीं दोस्तों, किसने दिया है? इसका जवाब दिया है संबित पात्रा और मनोज तिवारी ने। बहरहाल मनोज तिवारी ने जो अरविंद केजरीवाल, मेरे हिसाब से उनकी तौहीन की है, उनकी बेइज्जती की है, और यह बहुत ही विवादास्पद बयान है शुद्ध करने को लेकर, इसे आम आदमी पार्टी ने मुद्दा बना लिया। इस मुद्दे पर संजय सिंह क्या कह रहे हैं आप सुनिए। आज अंतिम दिन भी नफरत फैलाने की राजनीति से भारतीय जनता पार्टी बाज नहीं आई, इसकी बहुत तकलीफ हुई। पहले आतंकवादी कहा केजरीवाल जी को, रावण तक कह डाला केजरीवाल जी को, और आज जो मनोज तिवारी जी का बयान आया है उससे बहुत पीड़ा पहुंची। मनोज तिवारी जी कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी ने हनुमान जी की पूजा कर ली, बजरंगबली की पूजा कर ली, तो बजरंगबली को अशुद्ध कर दिया। आप लोग अरविंद केजरीवाल को अछूत मानते हैं, इतनी हीन भावना से देखते हैं, इतने घृणा के भाव से देखते हैं, इतनी नफरत रखते हैं अरविंद केजरीवाल के प्रति। आज जो वोट डाले गए दोस्तों, उसको लेकर जबरदस्त तनाव भी है माहौल में, अफरा तफरी भी है, गर्मा गर्मी हो रही है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आम आदमी पार्टी का ये कथित कार्यकर्ता किस तरह की बदतमीजी कांग्रेस नेता अलका लांबा के साथ करता है। आप सुनिएगा, एक मिनट का ये क्लिप है, इसमें अलका लांबा वहां खड़ी है और अचानक उनके बेटे के बारे में आदमी कुछ बोलने लगता है, ये आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है, सुनिए। 22 साल का लड़का जिसका ये तो बता दो, आपको बुरा होगा, वो 22 साल का लड़का जिसका ये तो बता दो, नोट पे नाम नेशनल बच्चा। वाकई शर्म आनी चाहिए, क्योंकि इस मुद्दे को लेकर संजय सिंह भी इनके बचाव में आए हैं, प्रीति जो हैं वो भी आम आदमी पार्टी की नेता हैं, वो भी उनके बचाव में आई थी। हालांकि प्रीति मोहन शर्मा ने मुझे आश्वस्त किया है कि अगर ये व्यक्ति आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता निकला तो उस पर मैं कार्रवाई करूंगी। मगर यकीन मानिए दोस्तों, बहुत ही शर्मनाक रवैया था इस शख्स का, कि इस तरह से निजी तौर पर एक कांग्रेस नेता पर आप हमला कर रहे हैं, ये सरासर गलत है। और दिल्ली विधानसभा को लेकर जो सियासत चल रही है वो कितनी गर्म है, इसका एहसास आपको इस बात से लग सकता है कि जमीन पर तो गर्मी ही है, जिसके प्रमाण मैं आपको लगातार दे रहा हूं, बल्कि ट्विटर पर भी गर्मा गर्मी है। मसलन अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट किया, वो ट्वीट आपके स्क्रीन पर है, वोट डालने जरूर जाइए, सभी महिलाओं से खास अपील, जैसे आप घर की जिम्मेदारी उठाती हैं वैसे ही मुल्क और दिल्ली की जिम्मेदारी भी आपके कंधों पर है, आप सभी महिलाएं वोट डालने जरूर जाएं और अपने घर के पुरुषों को भी ले जाएं, पुरुषों से चर्चा जरूर करें कि किसे वोट देना सही होगा। अब इस ट्वीट पर स्मृति ईरानी, भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री स्मृति ईरानी को आपत्ति है। एक तो स्मृति जी, आपसे मेरी अपील, आप जो है ना महिला सम्मान के ऊपर कहना और अपना मुंह खोलना कृपया बंद करें, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब कुलदीप सिंह सेंगर की बात आती है तब तो आप खामोश हो जाती हैं, चिन्मयनंद की बात आती है तब आप खामोश हो जाती हैं, राम रहीम जैसे बलात्कारी पर भी आप कुछ नहीं कहती, तो कृपया आपसे मेरी अपील है कि महिला सम्मान के बारे में कहना बंद कीजिए। बहरहाल अरविंद केजरीवाल का उन्होंने क्या बयान जवाब दिया आपके स्क्रीन पर, आप क्या महिलाओं को इतना सक्षम नहीं समझते कि वे स्वयं निर्धारित कर सके कि किसे वोट देना है? जवाब में अरविंद केजरीवाल कहते हैं,
स्मृति जी, दिल्ली की महिलाओं ने किसे वोट देना है ये तय कर लिया है और पूरी दिल्ली में इस बार अपने परिवार का वोट महिलाओं ने ही तय किया है, आखिर घर उन्हें ही चलाना है। आपको याद होगा दोस्तों कि राहुल गांधी ने एक सभा में कहा था कि भारत के अंदर महिलाओं के जो हालात हैं, जिस तरह से बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं, भारत के अंदर मेक इन इंडिया नहीं रेप इन इंडिया चल रहा था। और स्मृति ने इसे मुद्दा बनाते हुए, झूठ बोलते हुए कहा था कि राहुल गांधी ने दरअसल दुनिया भर के लोगों को आमंत्रित किया है कि वो भारत आएं और भारतीय महिलाओं का बलात्कार करें। स्मृति जी, इससे तय हो जाता है कि महिला सम्मान और महिला सुरक्षा को लेकर आपके अंदर जो भावनाएं हैं ना, वो संजीदा नहीं है। आप उस मुद्दे को लेकर, उस लक्ष्य को लेकर ईमानदार नहीं है। इसलिए मेरी आपसे अपील, कृपया इन मुद्दों के ऊपर बयान देना बंद करें। और मैं जानता हूं आप लोगों के जहन में सवाल होगा कि आखिर दिल्ली के चुनाव कौन जीत रहा है। उसके लिए आपको यह समझना होगा कि दरअसल किसका क्या दांव पर लगा है। सबसे पहले आम आदमी पार्टी की बात करते हैं। आम आदमी पार्टी का जो पूरा कैंपेन था दोस्तों, मेरे हिसाब से तीनों पार्टियों में उनका कैंपेन सबसे ऊंचा था, क्योंकि उन्होंने पूरे कैंपेन को विकास पर रखा, शिक्षा पर रखा, स्कूल्स पर रखा, बिजली पर रखा। और जब भी अरविंद केजरीवाल को धर्म के मुद्दे पर या शाहीन बाग के मुद्दे पर घेरा जाता था तो वो बहुत ही चतुराई से उससे निकल जाते थे। धर्म के ऊपर जब घेरा जाता था तो वो हनुमान चालीसा पढ़ देते थे, हनुमान का मंदिर चले जाते थे। और जब शाहीन बाग के ऊपर उन्हें घेरा जाता था तो वो कहते थे, भाई सरकार कौन चला रहा है, केंद्र में सरकार कौन चला रहा है, और ये शाहीन बाग के कार्यकर्ता आंदोलनकारी किससे मिलना चाहते हैं, गृहमंत्री अमित शाह से मिलना चाहते हैं, तो वो क्यों नहीं जाते। तो मेरे हिसाब से यहां पर अरविंद केजरीवाल ने राजनीतिक चातुर्य का परिचय दिया। अब बात करते हैं हम कांग्रेस की। दोस्तों हकीकत यह है कि आज की तारीख में दिल्ली, जो दिल्ली बनी हुई है, उसमें कांग्रेस की शीला दीक्षित का एक बहुत बड़ा किरदार है। शीला जी हमारे बीच नहीं है और आप जानते हैं एक बहुत अजीब सी बात हुई थी। 2-3 दिन पहले सुबह मैं सोच रहा था कि अरे चुनावी कैंपेनिंग में कहीं शीला दीक्षित दिखाई नहीं दे रही हैं। यानी कि शीला दीक्षित दिल्ली की सियासत का इस कदर अभिन्न अंग है ना कि आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि अब वो हमारे बीच नहीं रही। खैर, जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस के पास कुछ ऐसे लोग हैं जो दिल्ली को एक नई दिशा दे सकते हैं, चाहे अजय माकन हो, चाहे अरविंदर लवली हो, हारून यूसुफ हो, उनके पास टैलेंट पूल है। जैसे आम आदमी पार्टी के पास ऐसे लोग हैं जो दिल्ली को सही तरीके से समझते हैं, उसी तरह से कांग्रेस में भी ऐसे लोग हैं। मगर कांग्रेस में आपने देखा होगा जो पूरा कैंपेनिंग है बहुत दबा हुआ रहा। राहुल गांधी ने भी बहुत ज्यादा रैलियों को संबोधित नहीं किया, प्रियंका गांधी ने भी नहीं किया। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस अपनी हार स्वीकार कर चुकी है पहले ही, और वो जानते हैं कि वो जितना ज्यादा मेहनत करेगी उतना ही फायदा बीजेपी को होगा। अब बात करते हैं बीजेपी की। आजाद भारत के इतिहास में दोस्तों आज तक इतना नकारात्मक कैंपेन किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं चलाया जितना बीजेपी ने चलाया। मैंने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में ही बता दिया था, मनोज तिवारी का बयान, संबित पात्रा का बयान, इन्होंने बाकायदा अपने मीडिया को भेजा वहां पर शाहीन बाग को बदनाम करने के लिए। शाहीन बाग के सहारे ये लोग सत्ता में आना चाहते हैं, इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। राष्ट्रवाद, मैं इसे छद्म राष्ट्रवाद कहता हूं, इसके मुद्दे ये उठाते रहते हैं, तो कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। उनके पास भी चेहरे हैं, ऐसा नहीं है, दिल्ली को समझने वाले लोग हैं, मसलन हर्षवर्धन, वो हैं जो दिल्ली को समझते हैं, मगर हर्षवर्धन की सुन कौन रहा है? कैसे लोग हैं इस वक्त सामने? वो लोग जो सिवाय नफरत बोने के कुछ नहीं करते हैं। तो तीनों पार्टियों का दांव पर लगा है। अगर अरविंद केजरीवाल जीत के आए तो यकीनन वो मोदी विरोधी मोर्चे के तौर पर, एक चेहरे के तौर पर सामने उभर कर आएंगे कि ये वो शख्स है जिसने विकास के मुद्दे पर बीजेपी को चुनौती दी और जीत गया। अगर बीजेपी जीत कर आई तो दोस्तों कहने में अच्छा नहीं लगेगा, मगर एक तूफान आएगा इस देश के अंदर, नफरत का तूफान। और फिर यही नफरत वाला एक्सपेरिमेंट ये हर राज्य में अपनाना चाहेंगे। हालांकि मेरा यह मानना है कि पश्चिम बंगाल में जब चुनाव होंगे और यूपी में चुनाव होंगे तो भारतीय जनता पार्टी इसी नफरत के आधार पर अपना चुनावी कैंपेन जारी रखेगी, और इसका हमें नुकसान भी भुगतना पड़ेगा और पड़ रहा है।
तो उसमें वो कमी नहीं करने वाली है। मगर अगर दिल्ली जीत जाती है बीजेपी तो यकीन मानिए दोस्तों, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता हूं इस देश में क्या होने वाला आने वाले दिनों में। अब मैं उस सवाल का जवाब देना चाहता हूं जिसका आप इंतजार कर रहे थे कि यह चुनाव कौन जीत रहा है। तो मेरा जवाब इस तस्वीर के जरिए दोस्तों, जी हां, इस तस्वीर में है मेरे इस सवाल का जवाब कि दिल्ली विधानसभा चुनाव कौन जीत रहा है। आपसे अब फिर मुलाकात होगी 11 की दोपहर को, जब दिल्ली विधानसभा के चुनावों के लगभग तमाम नतीजे आ चुके होंगे। नमस्कार। Thank you.